हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन के ऊपर, और वो स्किन केयर रूटीन होगी ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली। ये स्किन ड्राई कैटेगरी की है, लेकिन मैंने कुछ चुनकर ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेंगे। ऑयली स्किन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर अप्लाई कर लें तो उनकी स्किन जो है वो बहुत ही ऑयली एंड ग्रीजी नज़र आने लगती है, बहुत ही डल नज़र आने लगती है। कुछ टाइम के बाद तो उनके फेस में से इस तरह से ऑयल निकलने लग जाता है, तो वो बहुत ही परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आज मैं उनकी वो परेशानी दूर करने वाली हूँ कि अगर आप 3-4 प्रोडक्ट भी अप्लाई कर लेंगे अपनी स्किन केयर रूटीन में तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली नहीं लगेगी, वो ग्रीजी नहीं लगेगी, आपकी स्किन नेचुरली शाइन करेगी, ग्लोइंग नज़र आएगी। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगा है ये फेस वॉश। ये है टॉटन की का वाटरमेलन सुपर ग्लो जेल फेस वॉश। ये इसमें वाइटामिन सी एंड क्यूकम्बर है। ये 100 ml का प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो है 295 rupees। ये इस तरह से प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ऑयली स्किन वालों के लिए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसको फेस वॉश को अप्लाई कैसे करना है। अपने गीले फेस के ऊपर अपने हैंड्स पे लेके थोड़ा सा इसको 60 सेकेंड मसाज करते हुए अपने फेस को पानी के साथ वॉश कर लेना है। इसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है टोनर। टोनर के लिए भी सेम रेंज का ही ये मेरे पास डॉटन की का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर है विथ क्यूकम्बर एंड ग्लाइकोलिक। 150 ml का ये प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है वो है 395 rupees। ये जो प्रोडक्ट है ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाता है। हमारी स्किन जो नेचुरल है वैसी ही रहती है इसके साथ। तो अपने फेस पे अप्लाई करके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है वो है फेस क्रीम। फेस क्रीम के लिए मेरे पास है इसी सेम रेंज की डॉटन की स्किन केयर की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। ये है 25 ml का छोटू सा प्रोडक्ट। ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये डॉटन की के ही हैं। ये जो स्पेशली जो रेंज है ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही उन्होंने निकाली है। ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपकी स्किन जो है इससे ग्रीजी नहीं नज़र आएगी। बस ये आपकी स्किन को नेचुरल हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, ये इसका काम है। मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं दे पाता है जितनी मेरी स्किन को चाहिए होती है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट होता है उसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप कौन सी भी स्किन टाइप वाले हों, चाहे आप ड्राई स्किन वाले हों, ऑयली वाले, कॉम्बिनेशन वाले, जैसी भी आपकी स्किन है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, लेकिन सनस्क्रीन जो है उसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए ये जो सनस्क्रीन है ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये बहुत ही मैटिफाई सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी इससे वाइट कास्ट नहीं आता है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। SPF 50 है, PA++++ है, वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है। ये 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है 495 rupees। ये फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है इस सभी प्रोडक्ट्स में। ये ऑयली स्किन वालों के लिए मैं फिर से कहूँगी ये बेस्ट रेंज है, आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद लास्ट जो इस वीडियो में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो ये है डॉटन की ही लिप प्लम्पिंग मास्क। ये जो प्रोडक्ट है इसे आप हर कोई यूज़ कर सकता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको ड्राई स्किन वालों को यूज़ नहीं करना है या ऑयली वालों को यूज़ नहीं करना है, इसे हर कोई यूज़ कर सकता है। वैसे तो ये जो मैं प्रोडक्ट्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें कोई बंदिश नहीं है कि ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ ना करें या कोई कॉम्बिनेशन वाले इसे यूज़ ना करें। मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी ड्राई
ड्राई स्किन है और मेरे ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क नहीं किए क्योंकि मुझे ये हाइड्रेशन नहीं दे पाए जितनी मेरी स्किन को ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रिकमेंडेशंस कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। अगर कोई और भी ऑयली स्किन वाला है तो इन प्रोडक्ट्स को लेने की सोच रहा है और सोच रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, मेरे पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। अगर आप स्किन केयर रूटीन देखना चाहते हैं जो ऑयली स्किन वालों के लिए हो, ड्राई स्किन वालों के लिए हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए हो, नॉर्मल स्किन वाले क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें और ड्राई स्किन वाले क्या यूज़ करें, कॉम्बिनेशन वाले क्या यूज़ करें, तो वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियोस भी जल्दी से लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।